तो हाय, हमें पचला लाए थे और हमें मिल गए प्रिंस। हाय गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम टू अदर वीडियो। तो लेट उठ गया मैं आज एक्चुअली फोर्ट जाना था, बट मैं लेट उठ गया, उसके कारण कैंसर। तो आज हम जाएंगे लस्सी पीने, कोई नॉर्मल लस्सी नहीं, मुंबई के बोल सकते हैं, मुंबई के सबसे बड़े डेयरी में, बहुत बड़ा फार्म है वो, इसे अपने सबने नाम सुना होगा, भजनलाल डेयरी फार्म। तो भजनलाल फार्म जो है वो गुजरात मुंबई हाईवे पे ही है। जिनको नहीं पता, मैं नीचे एड्रेस डाल दूंगा। तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है लस्सी की, और काफ़ी सारे आइटम्स है जो दूध से बनते हैं। तो चले जाते हैं, फ्रेंड को पिक करूँगा, वो शायद मेरे साथ आए, तो अभी फटाफट रेडी होता है और निकलते हैं। तो अब हम तैयार हो गए और चले भी निकलते हैं। और मैं जो हूँ गाड़ी वॉश करना भूल गया। A few inches later, हम पहले लेट थे, उसमें और लेट हो गए। आयुष, इसको अपने काफी वीडियो में देखा रहेगा, तो आयुष ने और लेट कर दिया। तो अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट, सीधा जाते हैं भजनलाल डेयरी फार्म। भजनलाल डेयरी, काफी अच्छा नजारा है यहाँ पे, काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, काफी बड़ी है। तो आज की ट्रीट है वो आयुष दे रहा है। शक्ल तो देख लौंडे की। तो यही है वो फाउंडर जिन्होंने ये डेयरी ओपन की थी, श्री भजनलाल जी। तो अभी हमने कूपन ले लिया है, यहाँ पे कूपन लेने के बाद यहाँ पे एक स्टॉल से, तो वहाँ से पिक कर सकते हो। जो आयुष है, आयुष को लस्सी पसंद नहीं, वो जबरदस्ती मेरी वजह से पी रहा है, इसलिए उसने हाफ लिया। उसको मैंने बोला कि जगह लस्सी के लिए फेमस है, फिर भी नहीं सुन रहा है, तो ठीक है मैं लस्सी टेस्ट करती हूँ, उसके बाद कोई और आइटम टेस्ट करती हूँ। तो क्या पार्सल? हाँ ठीक है, हम यहाँ पे भी प्रिंस भी मिल गए, वो भी लस्सी पीने ही आए थे, तो हमने हम लोग पार्सल ले लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर गाय और भैंसे हैं, भैंसे है मतलब।
यही हो भैंसे जिनसे हमें लस्सी जो यहाँ की फेमस लस्सी वो मिलती है, रबड़ी बिबड़ी सब इनकी दूध से बनता है। तो अभी निकलते हैं और लस्सी का रिव्यू जो है ना वो मैं दूंगा बाद में, घर पे जाके दूंगा। अब टाइम आ गया इसको बाय बाय बोलने का, अब हम लोग ऐसे निकलते हैं, अब से जाते घर पे। तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और आज मैं लेट उठा उसका फायदा हो गया, हमें प्रिंस मिल गया जो रोडीज और स्पिरिट्स विला और बिग बॉस का भी विनर है। तो वो वहाँ पे आया था लस्सी पीने के लिए क्योंकि वो उसकी फेवरेट प्लेस है, तो वो बहुत जिनकी फेवरेट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते रहते हैं, बट लकीली हमें एक मिल गया। लस्सी के बारे में बताऊँ तो लस्सी जो थी वो ठीक ठाक थी, जब हम लोग 3-4 साल पहले जाते थे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था, अभी एवरेज टेस्ट है, मतलब इतना मुझे यूनिक नहीं लगा कि वहाँ पे मैं इतना 17-18 किलोमीटर जाके लस्सी पीऊँ, बट ठीक है अच्छी टेस्टी। वहाँ पे और भी डिशेस है, रबड़ी ट्राई कीजिए, रबड़ी काफ़ी टेस्टी है। मैंने जितना हो सके उतना रिकॉर्ड किया है भजन लाल फार्म के बारे में, बट वो प्रिंस उसने बोला कि उसकी फेवरेट जगह है वो, यहाँ पे वो स्पेशल लस्सी पीने के लिए आता है, तो अपनी अपनी टेस्ट की बात है। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जब हम लोग पहले जाते थे वहाँ पे तो उसकी टेस्ट काफ़ी अच्छी थी, अभी जाने नहीं मिलता, अभी तो क्या सब 60-90 में बिजी हो गए, कौन लस्सी पीता है, सब बिजी हो गया ना।